हमारे YouTube चैनल पटनिया स्वाद में। तो आज हम बनाने वाले हैं बेसन से मजेदार चीले की सब्जी। बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी बेसन। मसाले में हमने रखा हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया, काली मिर्च, गरम मसाला, जीरा, रेड चिली फ्लेक्स, मंगरेला अजवाइन, हरी मिर्ची का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, कटे हुए प्याज, लाल सूखी मिर्च, कटी हुई टमाटर। तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर बेसन ले लिया है। आप चाहें तो इसे अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आइए इसमें हम कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो इसमें डालेंगे हम मंगरेला अजवाइन, काली मिर्च, थोड़ी जीरा पाउडर, गरम मसाला, चिली फ्लेक्स, नमक स्वाद अनुसार। इसका अच्छी तरह हम घोल तैयार कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि इसमें गुठलियाँ ना पड़ जाए, इसे बहुत ही सावधानी से घोल तैयार करना होता है। इसका घोल हमें बिल्कुल गाढ़ा तैयार करना है। ध्यान रखिए कि ये पतला ना हो जाए, वरना चीला हमारा अच्छा नहीं बन पाए। हम यहाँ गैस को ऑन कर लेते हैं। हम यहाँ कढ़ाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो तवे से भी बना सकते हैं। गैस का फ्लेम ध्यान रहे हम लो रखेंगे, ताकि चीला हमारा सटे ना। हम डाल रहे हैं तेल, और तेल को हमने अच्छी तरीके से कढ़ाई में फैला लेना है, ताकि चीला हमारा सटे ना। तेल हमारा यहाँ गर्म हो चुका है। अब हम बेसन के घोल को डालेंगे, और इसे धीरे धीरे फैला लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, चीला हमारा एक तरफ से बिल्कुल सीख चुका है। अब इसे हम दूसरी तरफ पलटेंगे, ताकि ये टूटे ना। देखिए दोस्तों, चीला हमारा बिल्कुल सीख चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। हम बाकी चीले को सेक लेंगे। इसी तरीके से हम सारे चीले को सेक लेंगे। कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। हो चुका है, वही इसमें जीरा डालेंगे, लाल मिर्च, तेज पत्ता, देखिए दोस्तों, हमें यहाँ प्याज और टमाटरों को पीस ले रहे हैं, जिससे हमारी ग्रेवी में बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। इसे हमें फ्राई करते रहना है, इसे गोल्डन ब्राउन करना है। हमारा प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट। इसे हमें थोड़ी देर तक चलाते रहना है। डालते हैं थोड़ा पानी। पानी डालना यहाँ ज़रूरी होता है, ताकि मसाला हमारा सटे ना, अच्छी तरीके से भूनते रहे। अब हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स और हरी मिर्ची का पेस्ट। सभी को हमें अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इसमें जो हमने प्याज टमाटर के मसाले जो पीस रखे थे, देखिए दोस्तों, हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है। अब इसमें हम जो हमने प्याज टमाटर का पेस्ट तैयार कर लिया था, वो डालेंगे।
इसे अच्छे तरीके से फ्राई करना है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से नमक। इसमें डालेंगे हम टमाटर। देखिए दोस्तों, मसाला हमारा अच्छी तरीके से भुन गया है। अब हम इसमें पानी डालते हैं। फ्लेम को हम करेंगे हाई और इसे कुछ देर के लिए, 2 मिनट के लिए लगभग ढक के रख पकाएंगे। अब हम ढक्कन हटाकर इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। इसे चलाते हैं। ग्रेवी हमारा बिल्कुल पककर तैयार हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके चिले डालेंगे। चिले को हमने इस तरीके से कट करके रखा था, तो आइए डालते हैं। इसे ग्रेवी में डाल रहे हैं। ध्यान रहे हमें इसे एक एक करके डालना है ताकि चिला हमारा टूटे ना। इसका बहुत ही बढ़िया लुक आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसकी खुशबू भी बहुत ही लाजवाब है, आप इसे जरूर ट्राई करें। देखिए फ्रेंड्स, हमारा चिला अच्छी तरीके से पक चुका है। अब हम इसे सर्व करें। आप इसे रोटी या फिर पराठी के साथ सर्व कर सकते हैं, ये दोनों में ही बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।